अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, मैं मदिया। हमने अब तक जो इस चैप्टर के तमाम टेक्स्ट थी, क्वेश्चन आंसर्स थे, ग्लॉसरी थे और उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस थे, वो हमने सारा कुछ पढ़ लिया और इसका हमने थोड़ा बहुत टेक्स्ट वो भी किया था, ग्रामर भी। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी ये सारी एक्टिविटी है। फॉर दिस पर्पज़ हमने ये एक्टिविटी है हमारी कि हमने पुट करना है सिंस और फॉर का यूजेज। सिंस और फॉर का तो बेटा हम लोगों ने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है हमने इसको बहुत डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है और फॉर और सिंस की यूजेज को भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों की थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब ये टेंसेस किए थे तो बहुत डिटेल्ड में सारा कुछ डिस्कस किया था। तो अभी आप लोगों ने ख़ुद देखना है, बस मैं थोड़ी सी याद दहानी दोबारा करवाऊँगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बाकी तो सारा हमें पता है कि हमने सिंपल सिंस और फॉर का यूजेज देखना है कि हमने सबसे पहले इसमें आता सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब आता है एज है, और उसके बाद बीन और देन मेन वर्ब आता है, फिर उसके साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम जो भी एक्सप्रेशन वगैरह। तो ये हमने क्लास के दौरान देखा था। सिंस कहाँ पे यूज़ होता है बेटा? जब हमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, जब हमें पता है कि काम का आगाज़ किस वक्त हुआ है, जब हमें काम के आगाज़ के वक्त का पता हो तो हमने करना है, तब वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस। आगाज़ से मुराद ये भी हो सकता है कि जब मैंने स्कूल छोड़ा या जब मैंने आपका स्कूल ज्वाइन किया, या हो सकता है सुबह से, या हो सकता है रात से, या हो सकता है दोपहर से, या हो सकता है मार्च से, तो मतलब इन सब के साथ आता है सिंस, ठीक है। और उसके बाद है फॉर, जब हमें ड्यूरेशन का पता हो, हमें टाइम ऑफ पीरियड का पता हो। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास सुबह से है और ये नहीं पता कि अभी कौन सा वक्त चल रहा है, दोपहर का, दिन का, शाम का, रात का, पढ़ाते हुए 4 घंटे हो गए, पढ़ाते हुए 10 घंटे हो गए, तो हमें नहीं पता। तो हमें सिर्फ किसका पता है? सुबह का। तो दैट्स आर इनिशियल पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एट द पास्ट, यानी माजी में काम हमने शुरू किया था तो अब तक वो कंटिन्यू है, तो इसे हमारा कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके साथ हम लगाएंगे सिंस, और जब हमें पता हो ड्यूरेशन का, पीरियड का, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ इसकी बजाय मैं ये बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ या मैं 4 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो ये जो 2 घंटे और 4 घंटे का टाइम है ये हमारा पीरियड है, ये हमारा ड्यूरेशन है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। आई होप यू आप लोगों को दोबारा से समझ आ गई होगी, जिनको नहीं भी आई थी तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी ख़ुद सॉल्व करनी है। 3 hours के साथ हम क्या लगाएंगे? डेफिनेटली फॉर लगाएंगे। 7 PM हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 7 बजे से, इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। 2 weeks 2 हफ्ते हमारे पास ये ड्यूरेशन है, पीरियड है, ये नहीं पता कि 2 हफ्ते, मार्च के 2 हफ्ते, फेब के 2 हफ्ते, फेब के स्टार्टिंग से 2 हफ्ते, मार्च के लास्ट 2 हफ्ते, तो हमें टाइम एक स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता, हमें ड्यूरेशन का पता, तो इसके साथ भी फॉर लगेगा। जी बिल्कुल, आप लोग सही समझे, आप लोग ये खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक 5 sentences बनाने हैं आपने परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हुए, और फिर उनके नेगेटिव भी करना है, इंट्रोगेटिव भी करना है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आप लोगों की एक्टिविटी है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है और साथ ही वो बना के लिख के वीडियोस तो आप लोग पिक बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 है आज हमने देखना, यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय वुड्स। स्टॉपिंग बाय वुड्स यानी रुकना, बाय वुड्स जंगल में, ऑन अ स्नोई इवनिंग बर्फ़ानी शाम को, ऑन अ स्नोई इवनिंग यानी बर्फ़ानी शाम, जंगल के नाम सिंपल ये भी कह सकते हैं, और लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब यही बनता है कि बर्फ़ानी शाम को जंगल में ठहरना। सिंपल सोल्यूशन उन्होंने इस, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी राइटर लिखने वाला होता है, लिखने के पीछे एक कहानी या एक पोएम लिखने के पीछे उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है जो उसने अपने पढ़ने वालों को उसने कन्वे करना होता है। तो इस जो पोएम है इसमें उन्होंने हमें अबाउट नेचर के अबाउट बताया है कि हमारा नेचर से क्या ताल्लुक है, कैसे हमें जो नेचर है हमारी, हमारी जो कुदरत है अल्लाह की, वो हमें अपनी तरफ कैसे खींचती है। और सिंपल उन्होंने इस पोएम में हमारी जो इंसानी मैकेनिकल लाइफ है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिडन में है ये,
सामने नहीं है, हिडन में है, उसने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम लोग हैं चाहते हैं कि हम फितरत को देखें, हमें फितरत अच्छी भी लगती है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हम अपनी ड्यूटीज़ में फंसे हुए हैं, हम अपने जो अहदो पैमान हैं वो हम उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। यानी हम लोग जो जिस लिए हमें ज़िंदगी दी गई है, हम उस मकसद को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम लोग जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत है, हम उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो इस पोएम में उन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है, ये हमने पहले पढ़ा था तो कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं। हुज़ अ फॉरेस्ट दीज, हुज़ वुड्स दीज, ये फॉरेस्ट वुड्स बोलते हैं मोस्ट ट्रीज, ज़्यादा दरख्तों या वुड लैंड्स हो, यानी दरख्तों का, लकड़ियों का कोई वो ज़मीन हो या कोई फॉरेस्ट हो, जंगल हो, हुज़ किसका है वुड्स दीज, ये जो जंगल है ये किसका है। और आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई नो, मैं उसे जानता हूँ, हिज़ हाउस इज़ इन द विलेज थाओ, हिज़ हाउस उसका जो घर है इज़ इन द विलेज थाओ, अगरचे करीबी गांव में है, इज़ इन द विलेज गांव में है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ पे खड़े नहीं देख रहा होगा। टू वॉच हिज़ वो वुड्स फील्ड अप, फील्ड अप भरी होना, टू कवर्ड विथ स्नो, कि उसका जो जंगल है वो बर्फ़ के साथ ढका हुआ है, भरा हुआ है। माई लिटल हॉर्स, यहाँ पे लिटल से मुराद छोटा नहीं है, लिटल से मुराद जवान है, नौजवान है। माई यंग हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मतलब मेरा जो घोड़ा है वो सोच रहा होगा कि कितना अजीब है ये, स्ट्रेंज सा है, अनयूजुअल सा है, कि हम कभी इस जगह पे रुके नहीं हैं, ऐसी जगहों पे। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि हम कहाँ पे रुके हैं, इस जगह पे जहाँ पे नज़दीक में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, यानी ये जो जंगल है ये किसके दरमियान में है, सॉरी, हम किसके दरमियान में रुके हुए हैं, जंगल के दरमियान में रुके हुए हैं और एक जमी हुई झील के दरमियान में रुके हुए हैं। और वो कह रहा है कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो कि इस साल की सबसे तारीख तरीन रात है, ऐसा नहीं है कि ये तारीख तरीन रात थी, बल्कि वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इतना अंधेरा है कि मुझे लग रहा है कि ये जो रात है ये इस साल की सबसे अंधेर तरीन रात है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, जॉनी उसका जो घोड़ा है वो अपनी लगाम को झटका देता है, टू आस्क, ये पूछने के लिए, देयर इज़ समवन मिस्टेक, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और जो इसके हार्नेस के अलावा जो आवाज़ आ रही है वो सिंपल आवाज़ किसकी आ रही है, साएं साएं की आवाज़ है। ऑफ ईजी विंड, ईजी विंड से मुराद लाइट विंड, जो है हवा आहिस्ता आहिस्ता जो चल रही है। एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी हल्की नरम फ्लेक, जो बर्फ़ के ज़रे हैं, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे ज़रे जो गिर रहे हैं उनकी आवाज़ है। और सिर्फ जो घोड़ा है उसके लगाम को, यानी उसकी जो बेल्स हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स उसने गले में पहने हुए, उसके बजने की, घंटियों के बजने की आवाज़ है बस। द वुड्स आर लवली, वो कह रही है कि ये जो जंगल है ये इतना हसीन दिख रहा है, इतना प्यारा दिख रहा है, डार्क है, इतना अंधेरा है और डीप इतना गहरा है, मतलब ये नज़ारा इतना तस्कीन आवर है, बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप, कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से ना जाऊँ, लेकिन मैंने कुछ अहदो पैमान किए हुए हैं जो मुझे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों सफ़र करना है सोने से पहले, मीलों सफ़र करना है। यहाँ पे मीलों सफ़र करने से मुराद ये है कि वो कहता है कि ज़िंदगी कुछ लम्हे की है, मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, सोने से पहले से मुराद है यहाँ पर मरने से पहले, कि मैंने अपनी ज़िंदगी छोड़ने से पहले, मौत आने से पहले बहुत से काम हैं, बहुत से वादे हैं जो मैंने पूरे करने हैं, मेरे पास वक्त नहीं है यहाँ पे रुकने को। तो इस जो सारी ये जो पोएम है ये हमारी नेचर से रिलेटेड है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो यूँ समझ लें कि पोशीदा मतलब हैं, कि कैसे मतलब हिडन मीनिंग्स हैं बहुत सारे जो वर्ड्स हैं। जैसे इसमें जो वुड्स का मतलब है, लफ्ज़ है, वो हुस्न की आगाही कर रहा है, यानी जो नेचर ब्यूटी है वो किस तरह की है, और साथ ही साथ उसने ये जो डार्क और डीप की बात कर रहा है, इसमें इसरार की बात कर रहा है कि ये जो नेचर है कितना डीप है, इसमें कितनी पूरी इसरारियत है, हम सब कुछ नहीं जानते नेचर के बारे में, ठीक है। और ये जो घोड़ा है उसमें वो बता रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया कि घोड़ा जो है वो झटका देता है, मतलब बेल को शेक करता है, तो जो इसकी ये जो घंटियाँ हैं ये हमारी ये समझ लें कि हमारे अंदर से ज़मीर की आवाज़ें हैं,
कि भाई तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, कहाँ पे रुके हुए हो, ठीक है। यानी इंतबाही आवाज़ें हैं ये जो हमें अलार्म करती हैं, रोकती हैं, खतरात से हमें आगाह करती हैं। और उसके बाद ये जो नरम नरम बर्फ़ के गोशे, वो कह रहे हैं ज़रे गिर रहे हैं, ये बता रहे वो, ये मज़ीद जो नेचर है इसके हुस्न को यानी तस्कीन पहुंचाने के लिए, हमारी अट्रैक्शन खींचने के लिए कुदरत का इजहार कर रहे हैं। और बिफ़ोर आई स्लीप माइल्स टू गो, वो कहता है कि मुझे बहुत सा सफ़र करना है मरने से पहले, बहुत से वादे करने हैं, बहुत सी मेरी ड्यूटीज़ है जो मैंने पूरी करनी है। ये थी आपकी पोएम, आपने ये पढ़नी है ख़ुद, कल हम इसकी समरी पढ़ेंगे।